हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रवा बर्फी की रेसिपी, जो हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और हम इसे पूरे 2 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 कप घी। घी हल्का सा गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ 1 कप सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी यूज़ की है। अगर आपके पास ये वाली सूजी अवेलेबल नहीं है तो उसे एक बार मिक्सी में चलाकर उसको फाइन बना ले, इससे बर्फी का टेक्सचर अच्छा दिखेगा। अब गैस की फ्लेम लो करें और इसे लगातार चम्मच से चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है और ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करना है, बस इसे 5 मिनट तक लगातार चम्मच से चलाते रहे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो इसके जगह आप 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो भी आप प्लेन बर्फी बना सकते हैं। अब इसे सिर्फ 2 मिनट तक चम्मच से चलाते रहे और बाद में गैस की फ्लेम ऑफ करें। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे चम्मच से चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करें। अब हम सेम कढ़ाई में बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप पानी। पानी के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3/4 कप शुगर। अब इसे चम्मच से लगातार चलाते रहिए, पर ध्यान रहे हमें चाशनी 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी है। बस चीनी को डिजोल्व होने दीजिए और इसमें हल्का सा चिपचिपापन आने तक इसे चम्मच से लगातार चलाते रहिए। अगर चाशनी 1 तार या 2 तार वाली बनेगी तो बर्फी सख्त हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। इसके जगह पे आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने फूड कलर नहीं भी डाला तो भी चलेगा। फूड कलर के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। शुगर मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सूजी। अब इसे 10 मिनट तक लगातार चम्मच से चलाते रहे। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करें और इसे गैस पर ही चम्मच से चलाते रहे। किसी टिन या प्लेट को घी से ग्रीस करें और मिक्सर को उसमें ट्रांसफ़र करें। अब मिक्सर को उसमें सेट करें और 5 मिनट तक हल्का सा ठंडा होने दीजिए। 5 मिनट के बाद इसे कट करें। आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। अब इसे 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए, पर फ्रिज में नहीं रखना है। 1.5 घंटे के बाद इसे डीमोल्ड करें। अब हमारी रवा बर्फी रेडी है। मैं इस पर डेकोरेटिंग के लिए चांदी का वर्क लगा रही हूँ। इसके बजाय आप ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं, पर जब ये मिक्सर गीला होगा तभी इस पर ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। सूखने के बाद इसको गार्निश नहीं करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।